तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं छांगू लेक बाबा मंदिर। पता नहीं कितना जा पाएंगे क्योंकि कल बारिश हुई थी पूरी रात, तो देखते क्या होता है। मैं बेसिकली ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। आई एम श्योर कि बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये थी बालकनी, मैं जिस होटल में ठहरी थी उस होटल की बालकनी थी, और ये एक होटल के सामने एक छोटा सा गार्डन था, उसमें ये फ्लावर्स खिले हुए थे। बेसिकली पहाड़ी एरिया में ना थोड़ा अलग टाइप का फ्लावर्स खिलते हैं, वो जो नॉर्मली नहीं मिलता इधर, तो हाँ इसलिए मैं शूट कर रही थी फ्लावर्स की, मुझे बहुत प्रीटी लगे। और ये इधर एक कैट बैठी थी, ये एक्चुअली में मैं जो होटल में थी वहाँ की कैट है, तो ये हमेशा यही रहती है। और फिर हम लोग निकल गए, और इन ड्राइवर की अब गियर की पैर देखिए, एकदम स्केलेटन बना हुआ है, वो जो स्केलेटन का हेड होता है वो बना हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और हाँ हम लोग निकल गए, हम लोग पहले बॉजरा स्टेशन गए, उसके बाद उधर से हम लोग को छांगू लेक जाने वाली जो गाड़ी थी बुकिंग उधर से हम लोग को मिला। हम लोगों को एक घंटा वेट करना पड़ा, उसके बाद मुझे गाड़ी मिली और फिर स्टार्ट हो गई जर्नी फिर से। तो हाँ मौसम उतना क्लियर नहीं था, सब फॉगी फॉगी था, सूरज तो बिल्कुल भी नहीं दिखा उस दिन, फॉगी फॉगी था। उधर का आसमान थोड़ी सी क्लियर थी जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी। पूरा एक्चुअली ये फॉग नहीं है, ये पूरा बादल है, आप देख सकते हो पूरा बादल है, और मैंने उधर हाथ निकल दिया बादल को टच करने के लिए, और फिर धीरे धीरे बर्फ आनी स्टार्ट हुई, रास्ते पे बर्फ आनी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बर्फ से बहुत ही ज़्यादा एक रास्ता पूरा भर गया बर्फ से, और पूरा बादल ही बादल था, वो पूरा बादल है, फॉग नहीं है एक्चुअली, पूरा बादल है। आज कुछ ज़्यादा ही बादल थी, गाड़ी का जाम शुरू हुआ और इधर रुक गए। अब और इस यख को देखो गाइस, सामने के दो पैर काले हैं और पीछे के सफेद, और मैं थोड़ी सी उतर गई गाड़ी से क्योंकि ये पूरा जाम लगा हुआ था, गाड़ी सारी रुकी हुई थी। फिर मैं थोड़ी सी आगे चल के गई क्योंकि मुझे देखना था कि क्या हुआ, और वहाँ जाके मैंने देखी कि सारे टायर्स में जो चेन लग रहे थे क्योंकि आगे वाला रास्ता पूरा बर्फ से ढकी हुई थी और स्किड ना करे इसलिए सारी गाड़ियों में चेन्स लग रही थी ऐसे, हमारे गाड़ियों में भी, हमारे जो गाड़ी थी उसमें भी लगा। तो हाँ मैं यही देख रही थी, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस थी मेरे लिए। और पूरा व्यू देख सकते हो गाइस, पूरा कोहरा ही कोहरा है। और फिर मैं गाड़ी की तरफ जाने लगी क्योंकि हमारी गाड़ी जो नेक्स्ट थी, और उसके बाद फिर से चलना स्टार्ट हो गया।
गाइस हम लोग छांगू लेक तो जा नहीं पाए, इधर तक का ही परमिट था, इधर तक का ही परमिट मिला हम लोगों को। लेकिन यहाँ जो आ गए ना, मतलब आउटस्टैंडिंग। कल हम लोग जहाँ थे वो था मतलब थोड़ा सा जंगल टाइप का, और इधर सिर्फ पत्थर, पत्थर के ऊपर स्नो, लाइक लिटरली दिस इज ऑसम। गाइस कैन सी इट, देखने के बाद मुझे लगा कि मैं यक में चढ़ूंगी। और यक में चढ़ने के बाद लिटरली यक ने पहले मुझे लात मारा एक, उसके बाद मैं उठ ही नहीं रही थी, मुझे उठाया गया और फिर जा रही थी। यक इतना मूव कर रही थी कि मैं कैमरा पकड़ ही नहीं पा रही थी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया बैलेंस करने में। उसके बाद मैंने शुरू किया और जो भैया थे को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करके दिए, वीडियो शूट करके दिया, तो वो भी है। कितना डेढ़ महीने के बाद आज एक गाड़ी आया इधर, बेसिकली आप मतलब समझ सकते हो बहुत ठंड थी इधर और मैं इतनी शिवर कर रही थी। और मैंने भैया को बोला कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो भैया बोले कि अभी तो कुछ भी ठंड नहीं है, मतलब आप सोच सकते हो अभी कुछ भी ठंड नहीं है, बोल रहे भैया। जब ठंड होती है तो क्या होती है। वाला फोटो शूट हो रही थी तो मैंने भी सोचा कर ली, लेकिन नहीं की। इधर थोड़ी सी स्नोफॉल हो रही है, कैमरे में नहीं दिख रही है, थोड़ा बहुत हुआ। मुझे लग रही थी कि ये एक यखनी एक टैंक है, सबको तोड़ के निकल रही है, ऐसी है। जहाँ से भी जा रही है यख, वहाँ सब हट जा रहे हैं। और इधर एक नदी है और फिर हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। We'll be right back.
ठंडे गाइस, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। और इधर मोमो है, खा के बात करते हैं। डॉगीज एकदम भेड़ जैसी है, मतलब भेड़ की खाल जैसे होती है ना, वैसी है एकदम। और हाँ, बाय द वे, इधर कॉफ़ी नहीं मिलती, मैंने लेके गई थी मैं, तो इसलिए मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। और ये बादल दिख रहे हो आप, ये एक्चुअली में बादल है जो नीचे आ रही है, और जो रूफ टॉप है वहाँ के, वहाँ पूरा स्नो गिरी हुई है। बहुत ही सुंदर एक व्यू थी, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। थोड़ा बहुत प्लांट्स खरीदे, उसके बाद मैं सभी ने शॉपिंग किए, खूब सारे शॉपिंग के लिए देखी। और ये डॉगी मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, मैं बुला रही थी तो वहाँ चली जाएगी। इधर कुछ ऑर्किड्स के प्लांट्स वगैरह थे, और इधर दो डॉगीज खेल रहे हैं। मैं मॉल में थोड़ा सा घूमने के लिए आ गई थी क्योंकि टाइम था। उसके बाद मैंने पियर्सिंग की सेप्टम पियर्सिंग, और फिर डिनर की मोमोज एंड थुपका, दोनों ही बहुत अच्छे थे शॉकिंगली। लेकिन चिकन मोमो मैंने ली थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे थे। और मैंने, हाँ, ये बहुत एक्साइटेड हो गई थी तो मैं ये वाला पहन के दिखा रही हूँ। ये किमोनो टाइप का कुछ है जो कि मैंने खरीदी। ओके, तो अभी मैं सोने जाऊँगी, तो गुड नाइट, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।